बैक टू माई चैनल, माई नेम इज़ मानसी। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ लॉरियल 6 ऑयल नरिशमेंट शैम्पू एंड कंडीशनर का रिव्यू। और अगर आपके बाल ना बहुत ज़्यादा फ्रिजी हैं, डैमेज हैं, उन पर बार बार से स्प्रिंग्स की प्रॉब्लम होती है ना, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और ये शैम्पू एंड कंडीशनर काफ़ी सारे क्लेम्स करता है, तो ये अपने क्लेम के अकॉर्डिंग वर्क करता है या नहीं, इन्हीं सब टॉपिक्स पे आज की वीडियो होगी। तो वीडियो में इन तक बने रहना एंड वीडियो करते स्टार्ट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बात करें इसके पैकेजिंग की, तो इस टाइप सी नॉर्मल सी प्लास्टिक मस्टर्ड कलर की पैकेजिंग में आता है। और इसकी कंडीशनर एंड शैम्पू की पैकेजिंग ऑलमोस्ट सेम है, बस इतना डिफरेंस है कि इसका बॉटम एरिया थोड़ा सा कर्व आता है एंड इसका बॉटम एरिया फ्लैट में आता है। तो इनके फ्रंट पे लिखा है कि लॉरियल पेरिस 6 ऑयल नरिशमेंट नरिशिंग कंडीशनर न्यू रिच इन केयर 6 फ्लावर ऑयल का इसमें यूज़ किया है, जो 6 बेनिफिट्स देता है हमारे हेयर्स को। ये बालों को स्ट्रॉन्ग, सॉफ्ट, स्मूथ, थिक, शाइनी एंड मैनेजेबल बनाने में हेल्पफुल रहता है। स्पेशली डिज़ाइन किया गया है ड्राई एंड डल हेयर के लिए। एंड इसमें जो 6 ऑयल है वो है आर्गन ऑयल, ऑलिव ऑयल, आलमंड ऑयल, कोकोनट ऑयल, जोजोबा ऑयल एंड कैमिलिना ऑयल। सो ये ऑयल बालों की हेल्थी ग्रोथ में हेल्पफुल रहते हैं, उन्हें शाइनी बनाते हैं, अगर आपके बाल डैमेज हो गए तो उन्हें रिपेयर करते हैं। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, बालों में स्प्लिट की प्रॉब्लम नहीं होती है। एंड शैम्पू का प्राइस है यहाँ पे 135 रुपीज़ इसका प्राइस है। 192.5 ml इसकी क्वांटिटी है और इसकी सेल्फ लाइफ 3 साल के लिए, यानी कि आप इसको 3 साल इजीली यूज़ कर सकते हो। और इसमें काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट्स का इन्होंने यूज़ किया है, जो स्क्रीन पे मैं आपको यहाँ पे मेंशन करूँगी। जो मेन है वो बताती हूँ। इसमें मेनली 6 ऑयल्स का यूज़ किया है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है इन ऑयल्स के नेम एंड इसके बेनिफिट्स। तो इसमें आलमंड ऑयल, ऑलिव ऑयल, आर्गन ऑयल, कोकोनट ऑयल, जोजोबा ऑयल एंड कैमिलिना ऑयल का इसमें यूज़ किया है, जो बालों को स्ट्रॉन्ग, हेल्थी, शाइनी एंड स्प्रिंग्स फ्री रखने में हेल्पफुल रहते हैं और हेल्थी ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। बात करें अगर इसके कंडीशनर की, तो इसमें इसकी क्वांटिटी है 192.5 ml, तो क्वांटिटी दोनों की सेम है। प्राइस इसका है 199 रुपीज़ और इसकी सेल्फ लाइफ भी 3 साल है, यानी कि आप भी इसको 3 साल इजिली यूज़ कर सकते हो। और इसमें भी सेम इन्ग्रीडियंट्स का इन्होंने यूज़ किया है, जो स्क्रीन पर मैं आपको यहाँ पर मैंशन करूँगी। और इन पे बस इसको यूज़ करने का तरीका दिया गया है कि आपने शैम्पू के बाद ही कंडीशनर अप्लाई करना है, और कंडीशनर को आपने अपने स्कैल्प पे अप्लाई नहीं करना, जस्ट आपने हेयर की लेंथ पे अप्लाई करना है। और कुछ टाइम बाद आपने कंडीशनर को नॉर्मल वाटर की हेल्प से क्लीन कर लेना है। बात करें अगर इसके फ्रेग्रेंस की, तो इसकी फ्रेग्रेंस बहुत माइल्ड सी है, कुछ स्वीट कैंडी टाइप इसकी फ्रेग्रेंस है। बात करें अगर इसकी कंसिस्टेंसी की, तो सो आप देख सकते हैं शैम्पू रनी कंसिस्टेंसी का है एंड कंडीशनर की कंसिस्टेंसी क्रीमी है कंपैरिजन टू शैम्पू। बात करें अगर अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की, तो पर्सनली लॉरियल का शैम्पू एंड कंडीशनर मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि पहली बात मैं इनको 5 महीने हो गए मुझे यूज़ करते हुए, एंड इसने मेरे बालों को सॉफ्ट, शाइनी, मैनेजेबल बनाया, और साथ ही में जो स्प्लिट्स की प्रॉब्लम होती है ना, वो भी काफ़ी हद तक कम हो गई है इस शैम्पू एंड कंडीशनर की हेल्प से। लॉरियल का ये शैम्पू एंड कंडीशनर बालों को बहुत अच्छे से क्लीन करता है, जितना भी डर्ट एंड ऑयल है, उसके बाद ना बालों को बिल्कुल भी ड्राई आउट नहीं करता है, काफ़ी अच्छे से नरिश करता है, जिसकी वजह से स्प्लिट्स की प्रॉब्लम नहीं होती है। और इसके जितने भी क्लीम थे ऑलमोस्ट उन पर वर्क करता है, लाइक स्ट्रॉन्ग, सॉफ्ट, स्मूथ, थिक, शाइनी, मैनेजेबल। अगर आपके बाल मैनेजेबल होंगे तो ऑलरेडी जितने आपके बाल हैं उसके अकॉर्डिंग थोड़े बहुत से थिक लगते हैं, बस थोड़े बहुत, हाँ बहुत ज़्यादा थिक नहीं लगते हैं बाल उससे। और स्ट्रॉन्ग वो डिपेंड करता है कि आप किस टाइप की डाइट ले रहे हैं, आपका हेयर केयर रूटीन किस टाइप से है। और मैंने इन शैम्पू एंड कंडीशनर को फ्लिपकार्ट से बाई किया था, तो जो ये कंडीशनर है वो तो अच्छी खासी कंडीशन में आया था, लेकिन जो ये शैम्पू है ना, इसका बाहर का प्रिंट थोड़ा सा ये ऐसा रिमूव हुआ था, क्योंकि इन दोनों की स्टेप से मैंने 2 क्वांटिटी बाई करी थी, तो इनके बीच में एक सेलो टेप की मोटी सी सील थी इसके बीच में, तो उसको रिमूव करने में इसके बाहर का प्रिंट रिमूव हो गया, बस इतना सा ही इशू था, क्योंकि अब कभी कभी ऑनलाइन शॉपिंग के थ्रू ऐसी चीज़ें होते रहती हैं। सो फ्रेंड्स, आ गए वीडियो के इन पे, एंड आई होप कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। और अगर आप भी ये प्रोडक्ट बाय करना चाहते हैं, तो इनके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ जाके आप इसको बाय कर सकते हैं। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसे करना लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।